नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप हो रहे हैं मोटे, इसीलिए देख रहे हो ये वीडियो। मोटे हो रहे हो, ऐसा ऐसा सेठ बन रहे हो ज्यादा, तो दिक्कत है। आज आपकी परेशानी का हम सोल्यूशन बताएंगे। देखिए ऐसा है, मोटे होना जो है सेठ बनने की निशानी नहीं है, ये निशानी है कि आपके बीमारियों का रिस्क बढ़ रहा है। तो मोटा होना अच्छी बात नहीं है। मोटा यानी कि पेट लटकना, पेट बाहर आ रहा है, बेली फैट। ये देखिए दो प्रकार के फैट होते हैं, एक होता है चमड़ी के बाहर जिसको हम बोलते हैं सबक्यूटेनियस फैट, चमड़ी के जस्ट नीचे पेट के बाहर, और एक होता है जो ऑर्गन्स जो आपके अंदर लिवर है, किडनी है, उसके आसपास जमा है, और वो होता है विसरल फैट। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहर बाहर का अगर आपने चर्बी गला ली कोई कुछ लगा के या कुछ ऐसा ऐसा हिला के तो हो जाए ना, अंदरूनी फैट बहुत जरूरी है। और ये ज्यादा रहेगा तो आपके हार्ट अटैक, शुगर, इंसुलिन रेजिस्टेंस, कई प्रकार के कैंसर, आपका प्री मेच्योर डेथ, बीपी, स्लीप एपनिया मतलब नींद अच्छी नहीं आना, स्ट्रेस, ये सब के रिस्क बढ़ जाते हैं। घुटने जल्दी खराब हो जाते हैं, लिस्ट बंद नहीं होती है, बढ़ती जा रही है लिस्ट, बढ़ती जा रही है। तो क्यों हो रहे हैं मोटे? पता है आपको, खा रहे हो दबा के, ये भी खाना है वो भी खाना है, मज्जे लेने और दबा के खाना है। कम तो खाते नहीं हम, है नहीं? और एक्सरसाइज तो करे जमाने हो गए, बचपन में की जाती है, वो जवानी में दौड़ा जाता है, तब दौड़े थे तब दौड़। अरे भाई आज खा रहे हो तो आज दौड़ना पड़ेगा ना। और उम्र भी एक बड़ा कारण है, बताएंगे कैसे कैसे वो भी समझाएंगे। अगर ऐसा है, ज्यादा खाओगे नहीं एक्सरसाइज करोगे तो फिर पेट तो बढ़ेगा और खुद भी बढ़ोगे पेट मोटा, तो क्या करें? उम्र के साथ पेट क्यों बढ़ता है? देखिए एक उम्र के बाद आपकी मसल्स जो हैं उसको यूज ना करोगे तो वो बाय बाय बोल के आपको चली जाएगी। तो लॉस ऑफ मसल मास, जितना आपकी उम्र बढ़ती जाती है उतना ज्यादा मसल मास होता रहता है कम। आप ये मानिए 30 साल का और 50 साल के उम्र के हिसाब से सेम एक्टिविटी लेवल होगी तो 50 साल वालों को 200 कैलोरी कम खाना पड़ेगा, नहीं तो उनका वजन बढ़ जाएगा, बिकॉज उनकी मसल्स ही कम है तो बेसिक मेटाबॉलिक रेट ही उनका कम हो जाता है, समझे? सो मसल कम हो रही है 30 साल से 50 साल के बीच में, तो बचाने के लिए क्या करेंगे? एक्सरसाइज। इफ यू डोंट एक्सरसाइज यू लूज योर मसल। इवन इफ अगर आपका वजन सेम रह रहा है 10 साल तक, यानी बंदा कहे 50 साल से 60 साल के ऊपर मैं 70 किलो का हूं तो 70 का ही हूं, आपकी मसल लॉस होगी मेरे भाई। हर साल एक से आधा किलो मसल लॉस हो रही है तो 5 किलो मसल गई, तो 5 किलो मसल का मतलब है 3 गुना वेट होता है चर्बी का, मतलब 3 गुना चर्बी आई तब जाके वेट आपका सेम है, तो कोई अच्छा बात नहीं है। वेट कम होना चाहिए उम्र के साथ, समझे? नहीं तो फिर से रिमाइंड करके सुन लो क्या बोले हम। और जेनेटिक्स का फैक्टर है, अगर आपके घर परिवार में सभी मोटे हैं तो आप भी मोटे हो सकते हो बिल्कुल, खाने पीने की आदतें भी वैसी हैं, फैट सेल्स भी वैसा है, जेनेटिकली प्रीडिस्पोजिशन भी है धबाधब फैट स्टोर करने का। तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको, हमारी क्या गलती है, आपकी जीन्स वैसी है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्षमा करें। अगर आप दारू पीते हैं तो बड़बक आपको बंद करना चाहिए, आई मीन बंद करनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। तो ऐसा है, दारू पीने से आपके बेली जो है, एक तो एम्प्टी कैलोरीज घुसते हैं आपके शरीर में, और अल्कोहल के साथ उल्टा सीधा जो खाते हैं वो, अल्कोहल अकेला भी लिया तो भी मोटे, अल्कोहल के साथ दबा के इधर उधर का चखना चुखना खा रहे हैं, चिकन फिकन ताला तूला, वो भी मोटे है कि नहीं? तो दारू अकेला भी है और वो भी है। तो दारू पीना है तो लिमिट बनाई है दुनिया ने, कायदे से छोड़ दोगे तो छोड़ोगे, फिर जाके तो कभी कभार पियोगे, और पीना है तो कभी कभी में भी जब भी पियोगे, 65 साल से नीचे हो तो 2 ड्रिंक से ज्यादा नहीं पीना। 2 ड्रिंक मतलब 30-30 ml की एक ड्रिंक होता है, ठीक है? हाँ, और 65 साल से ऊपर हो तो एक से ज्यादा नहीं पीना है, ये लिमिट बनाई है, नहीं तो शरीर खराब हो, हमको क्या लेना देना, हमको हम कहा अपना शरीर बचाओ, नहीं क्या बंद करोगे ज्यादा अच्छा है। बाकी अगर आप चाहें तो अपने जो डेली है ऐसा इंची टेप लेके आओ, उसको गिनो, हर महीने गिनो, ज्यादा अच्छा रहेगा। और रिलैक्स, पेट अंदर करके नहीं गिनना है, जबरदस्ती है मैं पतला हो गया, नो, अपने आप को धोखा दे सकते हो, हमको नहीं दे सकते, एक ही बात है कि नहीं, समझ ना? तो करना क्या है आपको, अगर आपका जो कमर है ऑलरेडी 40 इंच से ऊपर है, 102 सेंटीमीटर से ज्यादा है, तो अनहेल्दी कॉन्सेंट्रेशन है बेली फैट का, आप ज्यादा रिस्क में हो, रिस्क कैटेगरी में हो, तो ये फिक्स नहीं है, किसी के लिए 40 बहुत ही खाली आदमी होगा तो उसके लिए ज्यादा भी रह सकता है, मगर आदमी तो आदमी है, एक एवरेज ह्यूमन के लिए माना गया, बात लो, ठीक है? तो 40 है तो सोच के चलने में कुछ ना जा रहा। तो करना क्या है, विसरल फैट कम करना है, पेट का फैट करना है, लगाओ क्रंचेस से नहीं होता है, क्रंचेस मारने से या लोकलाइज फैट लॉस जो है इतना उतना कुछ नहीं होना, हल्का फुल्का फैट मोबिलाइजेशन से ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। वहां पे करना क्या है आपको, पूरे ओवरऑल बॉडी का फैट कम करना पड़ेगा। ओवरऑल बॉडी का फैट कम करने के लिए प्रॉपर कार्डियो करना पड़ेगा, प्रॉपर डाइट लेनी पड़ेगी। तो क्या करें, चलो लिखिए, किताब निकालो, लिखो, बोलना मत, बताया नहीं, पता तो होगा, कई सारी करते नहीं हो, तो सुनो, एक हेल्दी डाइट लेनी पड़ेगी। हाँ सर, हेल्दी डाइट लेनी पड़ेगी, मतलब क्या खाना है, फ्रूट खा सकते हो जितने मर्जी, जो मर्जी, चाहे आपको शुगर है, चाहे आपको बीपी है, कुछ भी,
आई डोंट द कैर्स, आई मीन फ्रूट से नहीं कोई दिक्कत होती, ठीक है, बहुत बार वीडियो बनाया हमने, जाके वीडियो देख लेना। वेजिटेबल खा सकते हो, जितने खाने हैं तले बगैर घर में बना के, जितनी ग्रीन लीफी वेजिटेबल उतना अच्छा, होल ग्रेन फूड्स खाइए, लेकिन फिर भी ग्रेन्स जो है दबा के थोड़ा क्वांटिटी कम कर दो। लीन सोर्सेस ऑफ प्रोटीन, फिश, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, घी बटर मक्खन मलाई खास कम खाना, कम 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 से कम। प्रोसेस्ड मीट, प्रोसेस्ड फूड ना के बराबर, और जो भी खाते हो उसमें अगर कोई फैट्स हैं तो जितने हेल्दी फैट्स होंगे, पॉलीअनसैचुरेटेड, मोनोअनसैचुरेटेड, ऐसे तो ज़्यादा कोई फर्क नहीं रह गया आजकल की दुनिया में, बट ओमेगा थ्रीज होने चाहिए थोड़े। और शुगरी ड्रिंक्स को बंद करके आप या तो बंद कर दो या आर्टिफिशियल स्वीटनर्स थोड़े बहुत ले सकते हो। पोर्शन कंट्रोल करो, एक बार में कम खाओ, दबा के ऐसा नहीं कि भाई अच्छा ओट्स खा रहे हैं तो एक किलो मतलब 200 ग्राम 250 ग्राम नहीं, 50 ग्राम 60 ग्राम 100 ग्राम बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, समझे, बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, और आधा मील बाद में ले लेना। रेस्टोरेंट में जाते हो तो कम खाओ, एक्टिविटी इज द प्राइम मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक्टिविटी नहीं करते हो अकेले डाइट से कुछ नहीं होने वाला, एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। या तो 150 मिनट हफ्ते में वॉक कर लो, ब्रिस्क वाली, ऐसा नहीं टहल रहे, या तो 75 मिनट की विग्रस एरोबिक एक्टिविटी, रनिंग, डांसिंग, ऐसा कुछ कर लो, ठीक है। हफ्ते की बात हो रही है, 150 मिनट हफ्ता या 75 मिनट हफ्ता बहुत ज्यादा नहीं होता, सोच के देखो। ऐसा भी नहीं है कि रोज ही करना है, हफ्ते में 3 दिन भी कर सकते हो मिनट डिवाइड करके, ठीक है। सो हफ्ते में 2 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए, मसल मेंटेन, पुल पुश लेग्स, वेरी बेसिक पुलिंग, एक मूवमेंट, एक पुशिंग और एक लेग्स। अपने हिसाब से अपना गोल देखो, कहाँ गड़बड़ करते हो, कहीं की डाइट में मेजर गड़बड़ है, कहीं की एक्सरसाइज में डर है, किसी का नींद अच्छी नहीं है, तो यू हैव टू कंसर्न कि भी मेरे में इशू क्या है, मेरे लाइफस्टाइल में इशू क्या है, राइट। आपके जो भी लाइफस्टाइल में इशू सॉल्व करने में डॉक्टर आपकी हेल्प कर सकता है अगर आप नहीं कर पा रहे, राइट। सो एक डॉक्टर से कंसल्ट करो, हमसे कंसल्ट करने के नंबर लिखे हुए हैं। तो भैया देखो, मोटे हो तो पतले हो जाओ, हर हफ्ते हर महीने अपना मेजरमेंट करो, अपने आप आपको आंखें खुल जाएंगी और समझ में आएगा। नहीं तो हमें सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए वीडियो को, और इस नंबर पर हमसे कंसल्ट करिए, हम मदद कर देंगे। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए, शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए। मैं हूँ डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।